यहाँ पे भैंस ना रही है, और भैंस तो निकल जा रही है, वैसे छोटा बछड़ा जो है ना, ये बेचारा बाहर मुंह नहीं निकाल पा रहा। अब ये किस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कितना ग्रैंड लग रहा है, ठीक है, कितना बढ़िया लग रहा है। ले फिर मुझे क्यों बुला रहा है भाई जी, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये पूरी पूरी ना आगे तक जा रही है। के यार अभिषेक अभिषेक गलत है, अभिषेक गलत है अपनी जगह, बट अभिषेक गलत है, कुछ चीजें गलत है। चिंता के मेघ गरजे पर हम डरे कहां है, बजरंग दुख जगत के तुमसे बड़े कहां है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल, होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो गाइस आज है 18th डे, 18वां दिन, ठीक है। और गुटलियां कौन सी हैं, गुटलियां हैं कितनी, 36 37 38, आज है 38वीं गुटली, ठीक है। तो आज 18th डे और 38वीं गुटली आज कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो चलो जल्दी से चलते हैं फुलबाग की ओर, 5:30 का है, आज 5 का टाइम नहीं है, 4:30 का टाइम हो रहा है, और मैं 4:30 के टाइम पे इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे मंदिर भी जाना है, क्योंकि मंगलवार है आज, ठीक है, चोला चढ़ाना है, ठीक है। तो जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, और भी कुछ काम है, मैं रास्ते में दिखाई दूंगा। तो चलो जल्दी चलते हैं, और सारा मैंने गुटली वगैरह सारी बैग में एक्चुअली नहीं रखी है अभी, तो जल्दी रख लेता हूँ, ठीक है, ये रखिए, ठीक है। तो चलो जल्दी रख लेता हूँ, बैग में सारा सामान रख लेता हूँ, बोतल भी मैंने अभी नहीं भरी है, बोतल रख लेता हूँ जल्दी से। चलो बैग वगैरह पैक हो गया, ठीक है, ये रहा बैग, इसको मैंने पूरा पैक कर लिया, सारा सामान रख लिया। तो चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से, और बिना टाइम लगाया जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं। चलो ऐसे लाइट कर देता हूँ, सारी बंद, पूरी बंद हो चुकी है। यहाँ पे भैंस ना रही है, और भैंस तो निकल जा रही है, वैसे छोटा बछड़ा जो है ना, ये बेचारा बाहर मुँह नहीं निकाल पा रहा। अब ये किस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। ये पुश्ते वाला रोड है जहाँ पे पानी वानी भरा हुआ है। मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, ठीक है, मैं और अंकित यहाँ पे दोबारा से आ जा चुके हैं, और अभी क्या है, मैंने देखा पानी काफी ज्यादा नीचे उतर चुका है, ठीक है। अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे, और आज मैं बता दूं आपको, बिग बॉस ओटीटी के ऊपर आज पहली वीडियो आने वाली है मेरी, ठीक है। एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं होगी, अंकित के साथ मैं कुछ बातचीत करूंगा उसके बारे में, ठीक है। अंकित का कह रहा था कि यार इसके बारे में थोड़ी बातचीत करनी है, डाउट वगैरह क्लियर करने, ठीक है, तो उस बारे में करेंगे, मगर पहले पेड़ लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले मैं लोकेशन दिखा दूं, दोबारा से यही वाली है, ठीक है, और चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे लोकेशन पे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये लोकेशन ये वाली है, ठीक है। अभी दिखाने में कोई फायदा है नहीं, बाकी आपको जानते हो लोकेशन एक ही रहेगी मेरी अभी थोड़े टाइम तक, ठीक है। तो अभी सीन ये है कि अभी यहीं पे लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, चला जा बुंडी सकल के, फिर अभी क्या है कि यहीं पे लगाना स्टार्ट करूँगा, चलो जल्दी से लगा। चलो तो गाइस फाइनली पहली गुटली लग चुकी है आज की, 36 37, आज की 37वीं गुटली लग चुकी है, ठीक है। तो अब बारी 38वीं गुटली लगाने की, थोड़ा आगे पीछे लगा देते हैं, ठीक है। साथ शूट करो, इतना प्यारा ब्लॉग आ रहा है, इतना प्यारा ब्लॉग, मैं कहता यार ये ब्लॉग तो बहुत मजा देगा, बढ़िया मजा आएगा, मजा देगा, मतलब देखेंगे देखिए, बारिंग सुबह सुबह देखा भाई, भाई लगा लिया, दो तीन दिन मैंने ब्लॉग शूट करने का, दुख होता है, तकलीफ होता है जब आप किसी वीडियो के साथ हो, 112 की बात की, लेकिन जो होता है चली होता है, हां ये बात मान के दोबारा काम शुरू कर देते हैं, ये बात तो हैंड पे पता है, जो होता है चली होता है, कभी पता नहीं आना, इतना आगे हो जाने दो, पैसा कमाओ मुस्काटो, पैसा कमाओ मुस्काटो, नहीं रियल रियल ये बात है, मतलब जो होता है चली, ये तीन मिनट के बाद देखो मैं सुधर जाऊंगा। यहां पर बच्चे काम करते हैं, हे काम करते हैं, आज पानी पीना अभी तो पीना, अभी तो भाई उसने ना पेड़ लगा लिया है, ठीक है। तो अब जरा बिग बॉस के बारे में भी हम बात कर लें, ठीक है, मेरा कैमरा फिट करना, तो दिखाते हैं, एलविश एलिमिनेट हो गया, सही है कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक भाई, एलविश को एलिमिनेट क्यों कर दिया भाई, ये इतना तो मैंने एक बार किसी देखा नहीं, बट मैंने ना एक लव कटारिया है ना भाई, उसकी स्टोरी में देखा था, उसमें लव कटारिया का दोस्त वो, हाँ, हाँ, तो उसकी स्टोरी में देखा था मैंने कि ना वो बता रहा था कि ऐसे करके एलविस को एलिमिनेट कर दिया, तो आप लोग उस ट्विटर वगैरह पे ये सब करें, तब मुझे पता लगा कि वो एलिमिनेट हो गया, और उसका जो जो भी है ना जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कल, यानी कि वेनसडे को, ठीक है। अगर उसको अगर सेफ नहीं करा गया, मतलब नहीं हुआ, तो कल उसको घर से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। और भी लोग एलिमिनेट होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन कौन है, ठीक है। तो ये सब तो चल ही रहा था,
ठीक है। अब इस समय ना मैंने बीच में भी क्लिप देखी थी वीकेंड के वार पर कि अभिषेक जो है वो यूँ कह रहा था कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, ये तो जीतना नहीं चाहिए ये सब सॉरी। तो ऐसे मतलब देखा तो थोड़ा बुरा सा लगा कि वो भी तो आया है, चाहे बीच में आया हो चाहे कैसे भी आया हो। और एलिविस ने शुरू में एक बात कह दी थी कि ना कि भाई मैं जीतूँ या तू जीते लेकिन मेरे नज़रों में विनर तू ही रहेगा। तो ये अभिषेक ने जो ये बात कही ना तो ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि ये वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, ये जीतना नहीं चाहिए, ये डिजर्व नहीं करता ये वो। तो ये बात थोड़ा लगा, सुन के ना थोड़ा बुरा सा लगा। बाकी तू जो जानता तू बता दे थोड़ा बहुत। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि ना यार एलविस यादव को ना मतलब इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो ये कि एलविस यादव जो है ना पूरा अपने भाईचारे के साथ खेल रहा है। वैसे तो मैं बिग बॉस पर टिप्पणी करता नहीं हूँ मगर आजकल इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वो भी यूट्यूबर है, हम भी यूट्यूबर, थोड़ा कम्युनिटी में मिल जाते तो इस वजह से टिप्पणी कर रहे हैं। और वो काम भी ढंग का कर रहा है, काम भी ढंग का कर रहा है। नकली तो आदमी कहता है क्यों सपोर्ट करें, पर नहीं वो काम अच्छा कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, सही कर रहा है। वो बंदा जब से आया है ना है तो हम दोनों ये सोच रहे थे यार सपोर्ट किसको करें, तो हम दोनों न्यूट्रल थे अपने अपने पॉइंट पे, ठीक है कि छोड़ यार किसको सपोर्ट करें, दोनों भाई अपने ही हैं ठीक है। मगर जब से इन लोगों ने जैसे अभिषेक ने एक काम किया है, तीन चार कांड कर दिया इसने कि पहली बात तो अपनी माँ से ये वाली बात बोल रहा था वो कि क्या बोलते हैं मैं किसी वाइल्ड कार्ड बंदे को विनर नहीं मान सकता, ठीक है। एक बात बताओ, सामने से वो बंदा आया है ठीक है, अलविस आया है, वो अपने पूरे भाईचारे के साथ लगा पड़ा है, वो बोल रहा है तू मेरा भाई है फलाना एडम का, तू अपना भाईचारा पूरा दिखा रहा है हर चीज़ में ठीक है। उसको जरूरत क्या पड़ रही है भाई वाली बात बोलने की, भले ही सलमान खान इन दोनों को आपस में बिठाने की कोशिश कर रहा है, मगर हम लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को कि सलमान खान की कुछ बातें सच है ठीक है। वो भिड़ाने की कोशिश कर रहा है मगर वो सच्चाई बता रहा है। एक बात बताओ कि सलमान खान ने ये बोला था कि तुम एलविस तो एलविस को तुमने बताई थी वाली बात, वो बोल रहा है उसके मुंह पे बोल रहा है हाँ मैंने बताई थी एलविस, एलविस ने मना कर दिया। अब वो चाहता ना एलविस तो वहाँ पे उसकी इज्जत बचा सकता था ये बोल के कि हाँ इसने मेरे को बताई है। उसने क्यों नहीं बताई आपको पता है, उसने वो क्योंकि वो दो कांड पहले भी कर चुका था इसी तरीके से गद्दारी वाले ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि यार अभिषेक गलत है अपनी जगह, बट अभिषेक कुछ चीज़ें गलत है एज अकॉर्डिंग टू द एलविस यादव ठीक है। एलविस यादव पूरी की पूरी अपनी जरा लगा पड़ा भाईचारे में मगर वो बंदा जो है ना भाईचारा दिखा के रेडी नहीं है। ये बात उसने कह भी दी, चलो किसी तरीके से कह भी दी, को बता देना चाहिए था कि भाई ऐसे नहीं वैसे कि भाई मैं तो ऐसे कह दिया मम्मी को मैंने ये सब, तो हमें लगता है कि चल ठीक है बिल्कुल फेयर गेम चला जाए, कह कुछ भी दिया हो ठीक है। जो जीतेगा वो तो सबको पता है कौन जीतेगा कैसे जीतेगा, लेकिन अगर वो बात कह भी देता ना तो ना एलविस भाई बुरा मानते ना जो भी फैंस वगैरह जो भी देख रहे थे हम फैंस हैं तो हमें भी बुरा नहीं लगता। बट ये चीज़ उन्हें कही तो थोड़ी गलत लगी, ऐसा नहीं है कि हम अभी को हेट कर रहे हैं कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बल्कि पहले न्यूट्रल थे भाई, किसको सपोर्ट करें, दोनों भाई को सपोर्ट किया हमने बराबर। अब मैं तो कह रहा हूँ कि भाई देखो एलविस यादव को जीतना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अभिषेक जीते ठीक है, क्योंकि भाई देखो अगर वो बंदा अगला दिल से नहीं भारा हर चीज़ को ठीक है, वो चाहता तो ये वाली बात भी अभिषेक पता है, जब ये वाली बात पता लग गई थी उसको एलविस यादव को कि ये मेरे पीछे पीछे अपनी मम्मी को ऐसे बोल रहा है ठीक है, उस बंदे ने आखिर में आके क्या कहा, भाई तू टेंशन मत ले मैं चिल्लू बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाई भाईचारा दिखा रहा है, वो यहाँ पे ये नहीं दिखाना चाहता कि दो यूट्यूबर आए अपने फैल फॉलोइंग लेके उसकी हाइप काफी ज्यादा बढ़ा दी बिग बॉस की और ये आपस में ही लड़ पड़े ठीक है। और उसको जीतने का इतना कुछ खास और उसको ये बात कभी नहीं बोलता फुकरा भाई को कि तू जीते चाहे मैं जीते विनर तू होगा, ये वो बात कहता ही नहीं। और यही सवाल का घमंड होता है जीतने का ठीक है। एलविस यादव ने ये वाली बात बोल दी कि तू जीते मैं जीतूं, बात एक ही है ठीक है, उसने इतनी मैच्योरिटी दिखा दी छोटा होने के बाद भी ठीक है, भले ही वो सब्सक्राइबर टर्म में इन द टर्म ऑफ सब्सक्राइबर बड़ा है उससे एलविस उससे क्या बोलते हैं फुकरा इंसान से, मगर एज में तो छोटा है, उसने फिर भी ये वाली बात बोल दी कि तू जीते मैं जीतूं बात एक ही है ठीक है। मगर एक बात बताओ, अब अभिषेक से ये वाली बात पूछी गई सलमान खान ने कि अगर एलविस जीतेगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा, वो सीधा कह रहा है कि रिएक्शन तो खैर यही होगा कि चलो कोई बात नहीं जीतना था मुझे चाहिए था कि मैं भी मतलब कि लायक हूँ जीतने के ठीक है, मगर कोई बात नहीं बुरा नहीं लगेगा ठीक ही लगेगा। अगर ये वाली बात बोल देता एलविस वाली कि तू ये जीते मैं जीतूं बात एक ही है तो भाईचारा ऑन टॉप होता नहीं होता। और आप लोगों को लगता हो कि हम हेट फैला रहे हैं या हम झूठी बात उन्हें सबसे बना रहे हैं तो आप जाइए क्लिप देख लो, हाँ वरना हम भी खुद कुछ क्लिप डालेंगे इन सब चीज़ों की, जो चीज़ें हुई है सिर्फ इन्हीं की डालेंगे हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी के हेट फैला रहे, लेकिन अभिषेक भाई की भाई जो दिख रहा है ना वो हम वो सीधा बता रहे हैं। हम तो इसने मेरे को बताई सारी बातें बिग बॉस ओटीटी हर मैच तो देखता नहीं, थोड़ा बहुत ये भी देख लेता 50% ये देखता, तो उसने मेरे को ऐसे करके बताया। मैंने कहा यार ये तो गलत कर रहा है यार अभिषेक, कितना सपोर्ट कर रहे हैं बंदे उसको, उसका गलत फायदा उठा रहा है। ऊपर से यार एक बात बताओ, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको हैं तो तेरे को गुणगान करना जरूरी है हैं, 24 घंटे घर के अंदर ये बोले जा रहा है कि मेरी वजह से सो चल रहा है, मैं इनके ऊपर बहुत उपकार कर रहा हूँ, मैं उनके ऊपर बहुत उपकार कर रहा हूँ। कौन सा उपकार कर रहा है तू, बिग बॉस ने तेरे ऊपर उपकार किया तुझे बुला के, कौन सी बात है यार, पता नहीं क्या कौन सी बात कहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो भाई मेरे साथ भाई गलती हो जाती है, उसने इस बात के लिए सॉरी बोल दी, हाँ चलो मान लिया कि चल ठीक है हो जाता है। ये बात वैसे रियलिटी है कि एलविस और ये अभिषेक गए हैं, इनके चक्कर में सही में टीआरपी आई है वो बात हम मानते हैं, मगर उस चीज को अगर तुम अपने मुंह से ही बोलोगे तो कहाँ की फिर तुम्हारी इज्जत रह गई है, अपने मुंह पे थोड़ा लाते। तुम ये एक काम करो, तुम 100 बच्चों को जाते कि जाके खाना खिला दो और 24 घंटे पूरे मोहल्ले में गाते फिरो, मैं तो 100 बच्चों को खाना खिलाता हूँ, 100 बच्चों खाना खिलाता हूँ, मिल जाएगा पुण्य इस काम का, नहीं मिलेगा भाई। जब तक तुम कहो मत भाई किस चीज़ को, अपने आप जनता का लेगी, जनता देख रही है तुम अपने आप, तभी तो हम लोग। और मेन बात तो ये है कि तुम्हारी टीआरपी एलविस भाई के चक्कर में आई थी वापस, एलविस भाई ने एक बार भी कहा कि मेरे चक्कर में वापस तुम्हारी टीआरपी आ गई, मेरे चक्कर में वापस शो चल रहा है। नेहा कक्कड़ ने कल आके वाली बात कही कि जो नहीं उसने वो आई है क्या नाम उसका उर्फी जावेद चाहे जैसी भी है ठीक है, उसने बल्कि आके ये वाली बात कही है कि एलविस ही नमक लेके आया शो में ठीक है, आखिरी वाले में ये वाला एपिसोड मैंने देखा बट इसने देखा है। उर्फी जावेद वाला मैंने देखा नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ कि जो सिर्फ एक सेंटेंस सुना है मैंने उसके मुंह से, अच्छा। कि उसने ये बोला कि शो वैसे ही चल रहा था, फीका चला था, पर नमक का काम जो किया है ना एलविस यादव ने किया
आगे, ठीक है भाई, सब लोग सपोर्ट में है क्योंकि उसे दिख रहा है वो बंदा दिल से खेल रहा है, ठीक है, वो अभिषेक दिमाग लगा रहा है, हालांकि इस जगह पे दिमाग ही चलता है, दिमाग से ही खेलना चाहिए, मगर क्या है कि हर जगह अगर तुम दिमाग लगाओगे ना भाई, भाईचारा वो दिल से निभा रहा, वो दिमाग से नहीं निभा रहा। अब वो अभिषेक जो है ना वो भाईचारा दिमाग से निभा रहा, वो पता क्या कह रहा है अभिषेक से, क्या उससे एलविश यादव से कह रहा है, कह रहा है कि भाई जब तू घर में आया है ना तो मेरे नाम की नेगेटिव पीआर चला के आया तू वहाँ पे। अबे यार, फिर अभिषेक एलविश यादव ये कहता है कि ठीक है चल मैं चला के भी आया हूँ, तुझे लगता है जरा मैं चला सकता हूँ, उसने उस बात का रिप्लाई देना समझा ही नहीं। एक बात का साफ क्लियर जवाब था, जब अगर एलविश को इतना कुछ करना ही था इसके खिलाफ, हाँ। जो भी है तो भाई वो शुरू में से ये बात कहता ही नहीं कि मेरी नजरों में तू विनर है, मैं तेरे लिए कोई खिलाफ कोई चीज करी आया, उसके बाद मैं आ गया बनूंगा, तो पब्लिक तो देख ही रही है कि भाई क्या कर रहा है, दोगलापन हो गया ना एलविश यादव, मतलब ही नहीं है इस बात का। यो मे भी हो सकता है कि कुछ लोग से भड़का रहे हो अभिषेक को उसके खिलाफ कि भाई एलविश तो इतना भड़का भी रहे हो, अब तो एलविश को नहीं भड़का रहे, भड़का रहे उसके खिलाफ, क्या एलविश को नहीं भड़का रहा भाई यार, एलविश भी मैच्योर है इनमें, लेकिन अभिषेक क्या भी इन सब चीजों में नया नया आया है, हो सकता है थोड़ा बहुत भड़काया हो, बट उसको अपने भाई से बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कहनी नहीं चाहिए कि तूने पीआर बिठाया है या फिर तू भाई का राइट तो जीतना नहीं चाहिए, ये सब थोड़ा गलत है, हो सकता है, मगर फिर भी देखो ना कि अभिषेक ये वाली बात कह रहा है कि तू शायद मेरे नाम की नेगेटिव पीआर चला के आया है अभिषेक, बल्कि फिर भी एलविश ने इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा कि मैं इसका इस बात का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऐसा हुई नहीं, ठीक है, सिर्फ उसने ये वाली बात बोली, तुझे लगता है मैं ऐसा करके आ सकता हूँ, सिर्फ उसने ये वाली बात बोली, फिर वो ये नहीं कह रहा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि तू ऐसा कर सकता है, फिर भी वो ये वाली बात कह रहा है कि नहीं यार मुझे बाहर जाकर चेक करूंगा, उसे विश्वास ही नहीं भाई इसके ऊपर, कह रहा है मैं घर से बाहर जाऊंगा उसके बाद पता लगेगा भाई जो भी है जैसे भी है, सीधा डायरेक्ट मतलब तो यही हो गया ना, बंदे को विश्वास नहीं उसके ऊपर, तो मैं तो कह रहा भाई एलविश उसको सपोर्ट का, अगर मैं तो बता रहा मतलब जो भी है भाई ये वीडियो अगर उसके दोस्तों भी पहुंच रहे ना तो भाई तुम लोग भी सपोर्ट करो और उसको बोलो कि एलविश यादव को किस तरीके से मतलब कोई मैसेज, अभी तक मैसेज जा नहीं सकता उसको, ठीक है, मगर जहाँ तक भी है भाई उसके दिमाग में किस तरीके से ऐसी चीज़ आ जाए कि भाई वो सपोर्ट ना करे अभिषेक को, मैं तो बता रहा हूँ, मगर ऐसा ना दिखाए कि यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे हैं बस सपोर्ट ना करे उसको, क्योंकि कम्युनिटी का अपना ही अपनी कम्युनिटी का नाम खराब होगा और कुछ नहीं है, ठीक है, बस हम इतना ही टिप्पणी करना चाहते हैं और उसकी और कुछ नहीं, भाई वोट जरूर करो एलविश को, बाकी भाई कुछ बुरा बुरा मत मानना, हम किसी की तरफ नहीं है, पे जाके भाई वोट करो क्योंकि यही हफ्ता रह गया है, ठीक है, इस हफ्ते में भाई को जीतना ही है और जिताना ही है, तो भाई जितना हो सके उसे वोट करो, मान लो हमारे 900 सब्सक्राइबर्स ही हैं, बट जो भी हैं जितने भी हैं ना भाई सपोर्ट जरूर करो, और आप हम ये ऐसा कह रहे कि भाई मान लो अगर आपको लगता है कि अगर एलविश भाई गलत है तो बेशक मत करना, लेकिन आपने अगर कुछ भी क्लिप उठाया कहीं से भी देख लेना एलविश भाई गलत नहीं है, और जो गलत नहीं है ना उसे भाई सपोर्ट करना हमारा काम है, वो दिल से निभा रहा भाई, नहीं हम ऐसे बोल रहे झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम झूठ भी बोल रहे हैं तो आप कहीं भी जाकर चेक करो, उसके बाद जरूर वोट करो, और आज ही वोट करने हैं क्योंकि कल तो शायद अगर वोट कम रहे तो उसको निकाल जाएंगे, वैसे मुश्किल है कि कोई उसे निकाल सकता है क्योंकि 2 मिलियन 2.5 मिलियन ट्विटर पर ट्वीट चल रहे हैं उसके, बट फिर भी हमें लोगों को सपोर्ट तो करना है, वर्चुअल चीज़ों में तो घुसता नहीं हूँ कि वोटिंग वगैरह मैं किसी को करता हूँ या फिर मैं सब चीज़ों में घुसता नहीं हूँ, मगर मेरा वोट अगर पूछा जाए ना भाई, अगर मेरा वोट पूछा जाए तो मेरा वोट एलविश यादव को, भाई मैं भी नहीं करता था, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा इतना फेयर गेम खेल रहा है और इतना कुछ कर रहा था, भाई हमारा काम तो है ही सपोर्ट करना, नहीं नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे तू वोट कर देता है तो कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा क्या कि मैं वोट वगैरह करता नहीं हूँ, वर्चुअल जाकर मैं करता नहीं हूँ, मगर मेरे से पूछा जाए तो मैं एलविश यादव को सपोर्ट कर रहा हूँ, अब अभिषेक को मैं सपोर्ट। तो गाइस यहाँ पे डिस्कशन होने के बाद अच्छे तरीके से, ठीक है, दोनों भाइयों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया बिग बॉस ओटीटी के बारे में, मैं एक्चुअल क्या है मैं कल एक पर्टिकुलर वीडियो निकालूंगा इसके बारे में, ठीक है, अलग से वीडियो पर्टिकुलर वीडियो आप समझते ही होंगे, ठीक है, अलग से वीडियो निकालूंगा इसके बारे में, और क्या है कि अभी यहाँ से निकल चुके हैं और अभी 7:30 मेरे ख्याल से अभी हो ही रहे होंगे, हैं 7:30 हो रहे होंगे, ठीक है, 6:07 का टाइम हो रहा है यहाँ से निकल रहे हैं, और कभी मैं दिखाऊंगा अगर कभी यहाँ पे बैठने का मौका मिला तो बैठेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम मिल नहीं पा रहा भाई बैठने का, अभी टाइम मिल नहीं पा रहा, ठीक है, तो चलो अभी घर चलते हैं, उसके बाद एडिटिंग वगैरह करेंगे और थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैं और दूंगा इसके बारे में अभी, ठीक है, चलो। कितना ग्रैंड लग रहा है, ठीक है, और कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो जो भी काम है हमारा, लेवियर मुझे क्यों बुला रहा है भाई, जी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये पूरी की पूरी ना आगे तक जा रही है, पूरी की पूरी आगे तक, कोशिश पुरानी है हार न मानी है, रुकना न है अब यहाँ, लकीरों से भिड़ जाए कुछ ऐसा कर जाए तू।